गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिकाएं, तो प्रो मींस प्रिमिटिव, ये पुरानी प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो इनका अगर अपन एक एग्जांपल देखें तो ये ज्यादातर इसमें बैक्टीरिया की कोशिकाओं का अपन अध्ययन करते हैं। तो इनका एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल ब्लू ग्रीन एल की नीम हरित श्वान हरित शैवाल। ये क्या थे, बहुत ही पहले ये उत्पन्न हुए थे और इसीलिए इनमें ज्यादा इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती। सिंपल सा सिंपल कोशिकाएं हैं ये, हम ये कैसी कोशिकाएं हैं सिंपल, तथा इसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस केंद्रक और न्यूक्लियर एनवलप। तो ये कौन सी बैक्टीरिया की कोशिकाएं, ये सिंपल प्रकार की होती है साधारण प्रकार की, वह न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो नहीं पाया जाता और जो केंद्र के वह असंगठित होता है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं पाया जाता है और केंद्रक है वह केंद्रक असंगठित होता है, असंगठित होता है होता, तथा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी काइमा अभाव होता है। आप इसमें देखिए कि आपको दिख रहा है क्या, गोल्गी बॉडीज या लाइसोसोम्स ये सब इसमें क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। और जबकि अपन दूसरी कोशिका लेंगे यूकैरियोटिक, उसमें यूकैरियोटिक में वो सब जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होंगे। तो वो नवीनतम कोशिका है जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में अपन एग्जाम्पल लेंगे जंतु कोशिका का जिसमें गोल्गी काय लाइसोसोम साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा ही था, ये सब उपस्थित होंगे। और ये इसके अलावा केंद्र भी केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग से युक्त होगा जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में को विभेदित करेगी और बीच में न्यूक्लियर एनवलप होगा। इसमें इसमें क्या होता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम जो मैंने आपको बताया था क्या होती है, आत्मघाती थैलियां, गोल्गी बॉडीज गोल्जी काय गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया व सेंट्रोसोम आदि का अभाव होता है व केंद्रीय पदार्थ डीएनए व आरएनए भी जीव द्रव्य के साथ मिश्रित रूप में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम एक्सेंट व डीएनए आरएनए भी मिश्रित रूप में उपस्थित, डीएनए आरएनए मिश्रित रूप में उपस्थित होते हैं, तथा इसमें कैसा राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70S राइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा है राइबोसोम पाया जाएगा, आपने 80S राइबोसोम पाया जाएगा। तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स है। इसके अलावा और इसकी शेप देखेंगे तो यह गोलाकार कोंकणी सर्पिल व कोमामुखी पाया जाता है। शेप देखेंगे अपना इसकी, शेप कैसी इसकी, गोलाकार कोंकणी शेप, शेप इसकी ये तो पाया जाएगा या तो गोला का कोकाई स्फेरिकल फोकस स्फेरिकल कोकाई या सर्पिल 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 अपने स्पाइरल स्पाइरल या कॉमा शेप कॉमा शेप विब्रियो कॉमा विब्रियो या कॉमा शेप और कॉमा
कॉमा आकार, कॉमा आकार। तो ये इसके कुछ एक उदाहरण है तथा इसके सामने ऐसी जगह मैंने कहा आपको प्रेजेंट होता है तथा इसमें फ्लैजिला पिल्ली व कैप्सूल आदि भी उपस्थित पाए जाते हैं। जीवाणु में फ्लैजिला नशा के पक्ष में भी पाए जा सकते हैं, फ्लैजिला या सीलिया या पिलाई पिलाई उपस्थित हो। तो ये क्या प्रिमिटिव प्रो कैरियोट्स है, जैसे 78 राइबोसोम पाए जाएंगे, इसमें जो सारे संरचना है गोल्गी काय वगैरह ये सारी क्या होगी, इसमें गोल्गी काय राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया सब एब्सेंट होगी, नहीं प्रेजेंट होगी। तो दोहरी झिल्ली युक्त एकल झिल्ली युक्त ये सारे किसमें किसमें प्रेजेंट है, सारी कोशिकाएं ये सॉरी कोशिकांग ये सारी कोशिकांग प्रेजेंट है अपने यू कैरियोट में कोशिकांग, जबकि इसमें ये सारे एब्सेंट है। और इसमें ये शेप्स इसमें सर्किल या गोलाकार या इस टाइप से पाई जाएगी, या इसमें इसमें जो बाहरी लेयर्स है वो सेल भित्ति व सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है, कोशिका झिल्ली व सेल एनवेलप किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली व कोशिका मेम्ब्रेन का। तो कोशिका भित्ति जो है वह दो तत्वों से मिलकर बनती है, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन तथा एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें सेल एनवेलप सेल का जो बाहरी कवरिंग है, सेल एनवेलप के दो घटक हैं, पहला है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा है अपने इसमें दूसरा है अपना सेल वॉल, सेल वॉल। तो ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, तो ये क्या कोशिका जो भित्ति है ये म्यूकोपेप्टाइड के प्रकार के रूप में इसमें क्या मौजूद होते हैं आदि इसमें मौजूद होते हैं कि शक्ल है कोशिका भित्ति में किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड। और इस म्यूकोपेप्टाइड में क्या दो तत्व मौजूद है, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड एसिड, और दूसरा तत्व कौन सा मौजूद है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एसिटाइल ग्लूको। तो ये इसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि ये प्रिमिटिव प्रकार की है, ओल्ड कोशिकाएं जिन्हें कह सकते हैं। तो ओल्ड में ये बैक्टीरिया आपके अपन लेके देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर या नील हरे शेड की लेके देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये प्रिमिटिव है, इसमें न्यूक्लियस जो है उसके तत्व ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे संगठित नहीं है। और जो डीएनए वगैरह है ये मौजूद है, कुंडलित स्ट्रक्चर तो मौजूद है पर एक न्यूक्लियस के अंदर एनवेलप के अंदर दूसरे मेम्ब्रेन के अंदर घिरा हुआ मौजूद नहीं है, यूं ही खुले में ये ओपनली स्टोर्ड है तथा इसमें 78 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसकी सेल एनवेलप में दो घटक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या मौजूद है, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का ये बना हुआ होता है तथा ये आप देखेंगे। और जबकि अपने यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, वैसे आपको मैंने उसमें फर्स्ट जो एनिमल कोशिका बताई थी जंतु कोशिका वही इससे यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें सारे गोल्गी बॉडीज वगैरह प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह ये इसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही पुरानी और प्रिमिटिव प्रकार की है। और ये अपना भोजन कैसे देते हैं, तो ये स्वयंपोषी विषमपोषी या परपोषी प्रकार के होते हैं, ये स्वयंपोषी विषमपोषी या परपोषी की जो प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणु जीवाणु स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफिक अपना भोजन रूप बनाने वाले ऑटोट्रॉफिक, परपोषी हेटरोट्रॉफिक, परपोषी हेटरोट्रॉफिक या विषमपोषी विषमपोषी
कोशी प्रकार के हो सकते हैं सैप्रोफाइटिक। इस तरह से अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है।
जनन जननी जनन इसमें बहुत ही कम ही देखने को मिलता है जबकि इसमें उपस्थित होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान जिसमें अनुपस्थित होता है जबकि इसमें उपस्थित होता है। वह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का स्थान इसमें क्या है प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा जो इसकी प्लाज्मा झिल्ली हुई इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगी। इसके लिए कोई अलग से अंग नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जबकि इसमें अलग से भी ये कोशिका मौजूद है वह है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके एफन पार्टिकल्स में ये सब होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे की इसको क्या कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए तो प्लाज्मा झिल्ली ही ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ये होगा जबकि इसमें स्पेशल अंग पाया जाता है कोशिका अंग पाया जाता है वो है क्लोरोप्लास्ट। और इसमें बैक्टीरियोग्लाइकेन्स है बैक्टीरियोग्लाइकेन्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो मौजूद होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला कशा कशा इसमें सरल प्रकार का है वो इसमें जटिल संरचना कशा की पाई जाती है जो मैंने कल आपको बताया था कि 9+2 अरेंजमेंट इसमें फ्लैजिला में पाया जाता है ये जटिल संरचना है और इसमें अमोइबॉइड मूवमेंट इसमें अनुपस्थित होता है जबकि इसमें उपस्थित होता है अमूराइड अम्ल जो मैंने अभी आपको बताया था जो इसमें मौजूद है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया वाली कोशिका में मूराइड अम्ल मौजूद होता है जबकि यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ये आपको मैंने पूरे इसके डिफरेंस भी बता दिए कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका तो आपको ये पूरा लिखना है और दोनों का डायग्राम बना के अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें मिल सके। थैंक यू।